उड़ीसा की मच अवेटेड फिल्म फाइनली जो दमन है उसका हिंदी में ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और ट्रेलर रिलीज होते ही छप्पड़ फाड़ कर व्यू आ रहा है और बहुत लोग इसे ट्रेंड करा रहे हैं। ट्विटर पर हो गई है, यूट्यूब या इंस्टाग्राम सभी पर फिल्म का वेट हो रहा था और फाइनली इसका हिंदी में ट्रेलर रिलीज हो चुका है। तो वहीं सब देखने पर जो फिल्म जर्नलिस्ट है KRK, उन्होंने फिल्म के ऊपर बहुत ही बड़ी बात बोल दी है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं उन्होंने क्या कहा है। तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पसंद आएगा तो लाइक करके जाइएगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि जो दमन फिल्म है वो उड़ीसा में 2 महीना पहले ही रिलीज हो चुकी है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर या ब्लॉकबस्टर कह लीजिए, क्योंकि उड़ीसा में अभी ऐसी फिल्म नहीं बनी थी जो इतना ब्लॉकबस्टर हुआ था। ओनली 95 लाख में बनी ये फिल्म, 10 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था और ये पहली फिल्म बन गई थी उड़ीसा में वहाँ पर इतने ज़्यादा बिजनेस करने वाली। और ये जो दमन फिल्म है एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जो उड़ीसा में 2006 में जो मलेरिया नाम की बीमारी फैला हुआ था उसी पर ये फिल्म को बनाया गया है। वहीं सब देखने के बाद जो दमन फिल्म है इसका नाम भी बहुत ही सच्ची घटना से प्रेरित है, क्योंकि जो 2006 में मलेरिया फैला था उसको लेकर सरकार एक कैंपेन चलाने का फैसला किया था जो मलेरिया उसको भगाने के लिए, और कैंपेन का नाम दमन रखा गया। तो वहीं को लेकर ये फिल्म का नाम दमन रखा गया है। इसी पर जो जर्नलिस्ट है KRK, उन्होंने बहुत ही बड़ी बात बोल दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो KRK हैं कोई भी फिल्म उनको पसंद नहीं आता है, बहुत ऐसी ऐसी फिल्म है जो उन्होंने रिजेक्ट किया है, जैसे ऐसे साजो मिल की फिल्म हो गई जो बाहुबली या 3RR, ऐसी ये फिल्म सभी को पसंद आई थी। लेकिन KRK एक ऐसे रिव्यू करने वाले जर्नलिस्ट हैं, उनको ये फिल्म पसंद नहीं आई थी। तो फाइनली जो KRK हैं वो दमन फिल्म को लेकर बहुत ही बड़ी बात बोल दी, उन्होंने कहा कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, ऐसी फिल्म बनाना चाहिए बॉलीवुड वाले को। बॉलीवुड ऐसी फिल्म नहीं बना रहा, कोई रीमेक बना रहा है तो या कोई कॉपी बना रहा है साउथ की, ऐसी फिल्म बनाएगा तो कोई भी उनको अप्रिशिएट करेगा ऐसी फिल्म बनाने के लिए। तो गाइस आप बताइए क्या आप कहना चाहेंगे KRK किस बड़े बयान पर। और यही हम लोग बात करें ये फिल्म की रिलीज डेट की, 3 फरवरी को रिलीज हो रही है और इसके जो गाने हैं वो भी अभी मालूम नहीं है, अपडेट नहीं निकल के आया ये गाने कब रिलीज हो रही है, लेकिन 3 फरवरी को फिल्म रिलीज हो रही है और उनका जो गाना है वो जावेद अली ने गाया है। तो गाइस आप कमेंट में बताइए कि आपने ये फिल्म का ट्रेलर देख लिया तो कैसा लगा है और ये फिल्म का वेट कर रही है नहीं कर रही, कमेंट में बताइएगा। और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर।